16 अगस्त 1946 कलकत्ता शहर की एक सामान्य सुबह। लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे, बाजारों में चहल पहल थी। किसी ने सोचा नहीं था कि कुछ घंटों में ही हजारों लाखों लोगों की जिंदगी तबाह होने वाली है, उनकी जीवन भर की कमाई लुटने वाली है। वो शुक्रवार यानी जुम्मे का दिन था। दोपहर की नमाज के लिए कलकत्ता की मस्जिदों में भारी भीड़ जुटी। नमाज में वे अपने साथ हाथों में भाले, छुरे, गड़ासे, लाठी और बंदूक लेकर पहुंचे थे। दोपहर बाद कलकत्ता के ऑप्चर लोनी मेमोरियल के पास एक बड़ी सभा आयोजित की गई थी। सभा में हिंदुओं के खिलाफ जहरीले भाषण दिए गए और एक अलग देश की मांग की गई। सभा समाप्त होते ही भीड़ ने योजनाबद्ध तरीके से हिंदू आबादी वाले मोहल्लों पर हमला बोल दिया। ये वो समय था जब कलकत्ता में मोहम्मद अली जिन्ना के करीबी हसन सुहरावर्दी की अगुवाई में मुस्लिम लीग की सरकार थी। देश की स्वतंत्रता की तैयारियां चल रही थी। जिन्ना के नेतृत्व में मजहब विशेष के अधिकांश लोग अलग देश की मांग कर रहे थे। 29 जुलाई 1946 को जिन्ना ने बंबई में मुस्लिम लीग की बैठक बुलाई। इसमें पाकिस्तान की मांग करते हुए 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई यानी डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा की गई। मस्जिदों में बैठकों के जरिए हिंदुओं के नरसंहार की योजनाएं बनी। शुरुआत के लिए कलकत्ता को चुना गया क्योंकि वहां मुस्लिम लीग की सरकार थी। कहते हैं दंगे शुरू होते ही सुहरावर्दी पुलिस कंट्रोल रूम में जाकर बैठ गया और पुलिस को कार्रवाई से रोकता रहा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार कलकत्ता शहर में कुल 3,173 शव बरामद किए गए थे। हालांकि मृतकों की संख्या 20,000 के आसपास होने का अनुमान जताया जाता है। हजारों हिंदू महिलाओं और बच्चों के साथ बर्बरता की गई। विश्व में हाल के इतिहास में एक दिन के अंदर नरसंहार की संभवतः ये सबसे बड़ी घटना थी। कई दिन तक कलकत्ता के आसमान पर चील और गिद्ध मंडराते थे। इसके कुछ चित्र आज भी उपलब्ध हैं। हिंसा के इन सभी चित्रों को हमने धुंधला कर दिया है ताकि YouTube और Facebook इस वीडियो को ब्लॉक ना कर दे। Google पर डायरेक्ट एक्शन डे सर्च करके आप इनकी सच्चाई की जांच स्वयं कर सकते हैं। बाद में अंग्रेज जज सर पैट्रिक स्पेंस की अध्यक्षता में एक जांच आयोग बना, जिसने माना कि मारे गए लोगों की संख्या सरकारी आंकड़ों से कई गुना अधिक है। इस जांच में सुहरावर्दी और उसके कई मंत्रियों की भूमिका भी स्पष्ट रूप से सामने आई। डायरेक्ट एक्शन डे कोई दंगा नहीं बल्कि पूर्व नियोजित नरसंहार था। डायरेक्ट एक्शन डे से पहले सुहरावर्दी ने कलकत्ता के कुल 24 थानों में से 22 पर मुस्लिम थाना प्रभारी नियुक्त कर दिए। बाकी 2 पर एंग्लो इंडियन थाना प्रभारी थे। कलकत्ता के समुदाय विशेष को पहले से पता था कि क्या होने वाला है। उन्होंने अपनी दुकानें नहीं खोली और घरों में महिलाओं और बच्चों को बाहर भेज दिया था। कलकत्ता में 2 दिन तक हिंदू नरसंहार चलता रहा। जब कोई सहायता नहीं मिली तब पेशे से कसाई गोपाल पाठा ने हिंदुओं को एकजुट करके हथियार उठाया। इस पर हमारे वीडियो का लिंक आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में देख सकते हैं। 1946 से डायरेक्ट एक्शन डे समय राजा बाजारे गुरुर মাংসের দোকানে হিন্দু মেয়েদেরকে মানে হাত পা কেটে উলঙ্গ ডেড বডি মাথায় গুপ দিয়ে ঝুলিয়ে রেখেছিল। ভিক্টোরিয়া কলেজের হোস্টেলে মেয়েদেরকে উলঙ্গ করে জানালার সাথে মেরে ধর্ষণ করে মেরে ঝুলিয়ে রেখেছিল। এখন বাঙালিরা সব ভুলে গিয়েছে। आप सोच रहे होंगे जब हिंदुओं का ये नरसंहार चल रहा था तब अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी क्या कर रहे थे। गांधी जी बंगाल गए थे लेकिन मुस्लिम लीग और उसके दंगाइयों को रोकने के लिए नहीं, बल्कि आत्मरक्षा में हथियार उठाने वाले हिंदुओं को शांति का पाठ पढ़ाने के लिए गांधी जी ने हिंदुओं से हथियार डालने की अपील की। डायरेक्ट एक्शन डे के मात्र 2 महीने बाद नोआखाली में हिंदुओं का नरसंहार शुरू हुआ। उस समय यही सुहरावर्दी महात्मा गांधी का बहुत प्रिय बन चुका था। बाद में वो पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश चला गया और वर्ष 1956 में वहां का प्रधानमंत्री बना। 16 अगस्त 1946 के दिन कलकत्ता में हुए डायरेक्ट एक्शन डे की एक झलक 23 फरवरी 2020 को हम दिल्ली में देख चुके हैं। यहां भी बिल्कुल उसी तर्ज पर हिंदुओं पर हमले किए गए थे। डायरेक्ट एक्शन डे एक मॉडल है जो आज भी भारत की एक बड़ी आबादी के मन मस्तिष्क में छपा हुआ है।
वो हर समय इसकी तैयारी में है। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेसी सरकारों ने डायरेक्ट एक्शन डे को स्कूली पुस्तकों से गायब कर दिया, ताकि भारतीयों की आने वाली पीढ़ियां कभी अपने इतिहास से कोई सबक न लेने पाएं।